कि मुझे स्टार्टिंग में पैसा कमाना है तो वो इस फील्ड से हट ही जाए। जब तक आपको नहीं आएगा ना बिल्डिंग डिजाइन करना, कस्टमर की बात समझना, कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही आप इस फील्ड से पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद ये रुकेगा नहीं, इतना देगा जिसकी हद। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर योगेश कुमार जी, जो कि खुद एक आर्किटेक्चर है और अपनी खुद की एक आर्किटेक्चर फर्म रन कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं उनसे और जानने वाले हैं उनके बारे में और उनके बिजनेस के बारे में। वेलकम है सर, सबसे पहले आपका। सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं? अजमेर से ही बिलोंग करते हैं। आप बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर हैं, ओके, और उसी के साथ में आपकी एक फर्म भी है। जी, सबसे पहले हम ये टर्म समझना चाहेंगे सर कि आर्किटेक्चर होता क्या है। आर्किटेक्चर होता है यूनिक डिजाइन। ओके, एक बंदा होता है जिसका शुरू से ही मोटिव होता है कि वो एक पर्सनल अपना मकान डिजाइन करे। ओके, उसको कैसे डिजाइन करना है वास्तु अनुसार, टेक्निकली, वही एक उसका ही एक मूर्त रूप है आर्किटेक्चर। ओके, यानी इनिशियल लेवल से अगर कोई बंदा सपना देख रहा है अपना घर बनाने का। सर, आर्किटेक्चर और पहले हम बोला करते थे ठेकेदार, तो इसमें कोई डिफरेंस है? वो डिफरेंस है, आसमान का। ओके सर, वो हम आपसे समझना चाहते हैं। ठेकेदार नॉन टेक्निकल। ओके, आर्किटेक्चर है वो पूरा टेक्निकल है, पूरा कैलकुलेशन। ओके राइट, क्योंकि सर अभी ये जो आर्किटेक्चर वर्ड आ गया है हम सब समझते हैं, बट अभी भी जो पुराने लोग हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि जब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आर्किटेक्चर को हम अपॉइंट करते हैं, उनसे हम हमारा घर बनवाते हैं, तो डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करें और लोगों को ये चीज़ें पता चले कि आर्किटेक्चर इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को आर्किटेक्चर नहीं कोई पता। ओके, पहले ये वास्तु कला था, वास्तुविद कला था। ओके, तो पहले भी आर्किटेक्चर, आप जो पुरानी हवेलियां देखेंगे ना वो प्रॉपर आर्किटेक्चरिंग बेस ही है। वो पुराने टाइप के आर्किटेक्चर हैं, उसमें नेचुरल एसी हैं आपके पास, नेचुरल कूलर हैं, किसी प्रकार का ना तो कोई उसमें मतलब अदरवाइज कोई नहीं है किसी प्रकार। उनमें लाइक जितने फॉर्ट्स वगैरह होते हैं पुराने, गर्मी के समय ठंडा रहे और हर समय, एग्जांपल अपन लें जयपुर का हवा महल, अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी। जैसलमेर में जो हवेली है उनमें आपको एक कूलर है, एक वॉल जा रही है और हॉलो वॉल, वो ऊपर तक जाती थी, उसमें से हवा अंदर आती थी बिल्कुल चिल्ड। पहले के टाइम में कोई एजुकेशन नहीं होती थी, नॉलेज मैम इसी चीज़ों से आती थी कि वो उस समय भी एक्सपेरिमेंट होती थी। जैसे आज हमारे जो आज के टाइम में सोइल टेस्टिंग होती है होता है, उस समय भी होता था कि ताजमहल यदि बन रहा है तो कैसे बना है, ताजमहल उस लकड़ी पे बना है जिसको टोटली पानी की जरूरत है, तो इसीलिए उसको यमुना के किनारे बनाए। तो लॉजिक्स पहले भी, हाँ लॉजिक्स पहले ही होते थे। हाँ, पर अभी अपने टर्म दे दिया है, अब हमने टर्म दे दिया उसके एक नाम, पहले वास्तु हुआ करता था, अब उसको आर्किटेक्चर। तो सर, लाइक आप एक आर्किटेक्चर हैं और तो आपका क्या सफर रहा सर कि आज आप यहाँ तक हैं? सफर तो मैं बहुत लंबा रहा, 14 साल का करियर। 2008 से स्टार्ट हुआ, 2008 से मैंने इसमें इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल मैंने जो अजमेर के टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी, उनके यहाँ वर्क किया। उसके बाद 18 नवंबर 2013 को मैंने खुद का सेल्फ फर्म चालू किया वाई के आर्किटेक्ट। तो फिर धीरे धीरे करके मैं इस लेवल पर। सर, इस चीज़ को आपने सिर्फ बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचा या आपका ये पर्सनल स्किल था? नहीं मैम, ये मेरा पैशन। पैशन, यदि डिजाइनिंग के तौर पे मेरा पैशनेट है, इतना जनरेट है, इतना अंदर से है कि मैं बहुत चाहता इसमें बैठ के काम कर सकता। सर, देखा भी यही है कि अगर किसी स्किल, किसी की हॉबी ही उसका बिजनेस अगर होता है तो वो फिर सफल होना तय। सफल होना तय। सर, बेसिकली आर्किटेक्चर फॉर्म क्या काम? बहुत सारे काम है। सिविल जो फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड है।
किसी भी प्रकार से लेकर कुछ भी इलेक्ट्रिकल हो तो उसको भी सिविल की ज़रूरत है ना। कोई भी अदर वेंचर आप ले लो, उसमें बिना सिविल के बिना छत के काम नहीं हो सकता। चाहे वो कंटेनर ऑफिस हो, उसमें भी सिविल है, हर तरह से सिविल। उसमें सर्वेइंग है हमारे, कटिंग फिलिंग है, लेवलिंग है ना, हाईवेज के जो टेंडर, हाईवेज के जो वर्क है, और अपने जो पहाड़ों पे जो भी कटिंग फिलिंग होती है वो है, सारे काम होता है, सारे काम। इसके बारे में अच्छे से जानना चाहेंगे, लेकिन क्या-क्या काम हम करवा सकते हैं? डिजाइनिंग है ना, वेरिएशन है, एस्टीमेट है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर है ना। यदि नगर परिषद, नगर निगम, ADS है, नक्शे पास की हम प्रोवाइड कराते हैं ना। और सर्वेइंग है, सर्वेइंग में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आता है, टोटल स्टेशन वो हमारे पास खुद का पर्सनल है, उसकी एक अलग टीम है मेरे पास जो उसको ऑपरेट करती है, और जो भी दूर दूर की साइट्स हैं वो उसको ऑपरेट करके उसको कंप्लीट काम करके। तो ये हाईवेज वगैरह भी बनाते हैं आप? हाईवेज बनाना नहीं, हाईवेज बनाने का चीज़ अलग है, उसकी मेजरिंग हम करते हैं। मेजरिंग जो हाईवे जा रहा है ना उसकी लेवलिंग होती है, उस लेवलिंग को हम चेक करते हैं उस मशीन। सर मैं आपकी उपलब्धियाँ आपको काफ़ी सारी मिली है, लाइक हम सब सुनते हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अम्बेसडर भी हैं स्किल। मैं ब्रांड अम्बेसडर हूँ 2020 आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी में, राजस्थान गवर्नमेंट से, उस समय राजस्थान टॉपर भी रहा था मैं। अभी 2019 में अचीवमेंट था, पर 2020 में मैं ले ही आया, फिर अभी 2021 में स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उसमें मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, नगर मित्र जयपुर DLB से। तो ये सारे चल रहा है। तो सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि आपका अपने जैसे आपका पैशन भी था, आपकी एक हॉबी थी, आपको अच्छा लगता है डिजाइन जी, उसके जस्ट बाद में आपने इसी को एज ए प्रोफेशन किया। तो जब दोनों का मिक्सअप होता है सर, कि आपका एक इंटरेस्ट हो और वो भी आपका बिजनेस हो, तो फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छे, रिजल्ट काफ़ी बहुत अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छे। सर लेकिन हमारे पास में भी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इस फील्ड में जा रहे हैं बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। अभी हम जैसे स्टूडेंट्स को देखते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो इंटीरियर एक्सटीरियर का कोर्स भी कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन भी ले रहे हैं, आर्किटेक्चर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं बट वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सफल नहीं हो पा रहा उसका रीज़न ये है, मेरे को क्रिएटिविटी। जब तक कस्टमर को नई डिज़ाइन नहीं मिलेगा ना, तो वो अब आपने एक ही डिज़ाइन की 10 कॉपी कर दी और 10 डिज़ाइन आपने अलग अलग रखी, तो वो 10 डिज़ाइन में चूज़ करेगा अपना डिज़ाइन, ना कि वो कॉपी करके लेके जाए। अब ऐसे भी कस्टमर आते हैं कि मुझे ये मकान पसंद है, आप इस पर डिज़ाइन करो, पर मैं बिल्कुल नथिंग मना करूँ, यही आपको पसंद है और ये आप डिज़ाइन करा दो, तो मतलब 30-40 लाख रुपये लगाना और डिज़ाइन भी आपको वो कराना है जो पहले से ही बना हुआ है, तो इट्स नॉट बेटर, बिल्कुल डिफरेंट समझे। लोकेशन के हिसाब से भी और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, उसको बजट में ध्यान रखते हैं सब कुछ। ऐसा लाइक अगर कोई आर्किटेक्चर बनना चाहता है उसके लिए एजुकेशन स्किल क्या रहेगी? क्या एजुकेशन स्टेट लेवल पे भी है ना, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे आर्किटेक्ट असिस्टेंट है जो राजस्थान गवर्नमेंट SC VT के माध्यम से, फिर उसके बाद ITI आता है ड्राफ्टमैन सिविल में, वो NCVT है नेशनल, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक है, फिर BTEC है, फिर BRC है, MRC है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA है और इसी में PhD भी है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए, बहुत ऑप्शन है, गवर्नमेंट भी इस चीज को काफी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है, क्योंकि स्मार्ट इंडिया जो भी बन रहा है, स्मार्ट अजमेर की हम बात करें तो इतने सारे स्कल्पचर जो बन रहे हैं ना, वो आर्किटेक्चरिंग बेस ही बन रहे हैं, उनको खड़ा करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। लाइक हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, लोग कहते ब्रिजेस बनते हैं बड़े बड़े, तो उनको डिज़ाइन करना वो बहुत, हाँ वो टिपिकल डिज़ाइन है, उसमें उसके पेडेस्टल, उसकी सेंटर लाइन देना वो सब, क्योंकि इसमें 1 mm का भी अंतर नहीं आता, 1 mm का भी, जो पेपर वर्क है ना वही मौके पर। आर्टिस्टिक काम है, आर्टिस्टिक आप, हाँ
बस आर्टिस्टिक में ये है कि आपके पास पेन पेंसिल नहीं है, आपके यहाँ पे डेस्कटॉप है, वो सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको आपकी आर्ट जो है लाइन डायग्राम में दिखानी 90 डिग्री 360 डिग्री। सुनने में आर्किटेक्चर लगता है वर्ड, बट ये आर्टिस्ट का काम है। अगर आपका दिमाग काफी क्रिएटिव है, कलरफुल है और आपको लाइक डिफरेंट काम करने का शौक है तो आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं जी। तो आगे हम बढ़ेंगे, लाइक अगर कोई भी फॉर्म चालू करना तो किस किस चीजों की उसको जरूरत पड़ेगी? लाइक वो खुद एक आर्किटेक्चर है, अब मानो कोई आर्किटेक्चर नहीं है बट उसको अगर स्टार्ट करना तो क्या कर सकता है? उसको जरूरत पड़ेगी मैम सिविल की नॉलेज की, स्टोन, ब्रिक, सैंड, कंक्रीट, इन चीज़ों की उसकी जानकारी उसको होना जरूरी है ना, क्योंकि आजकल जो है कि उसमें मिलावटें बहुत आती हैं, सीमेंट हो या बजरी हो। और एक सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक तो ऑटोकैड और एक 3ds Max। कैड है वो आपके वर्किंग ड्राइंग के लिए है, जैसे आपका सपोज 100 गज का प्लॉट है तो उसमें आपको मौके पर क्या क्या बनवाना है, 2 रूम, किचन, लेट बाथ सेट, वो 2D का काम हुआ लाइन डायग्राम। अब जाते हैं हम 3D में, 3D हम जनरेट कराते हैं, फिर उसको एक्सटीरियर निकालते हैं, उसका पार्टी से फाइनल कराते हैं, फिर उसका रेंडर निकाल कर कंप्लीट करते हैं। वो 3D में इंटीरियर भी है। मार्केट में सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं पर ये दो जो सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, बहुत जरूरी है। स्टाफ है मैम 5 लोगों का स्टाफ है मेरा, 2 लोग जो हैं वो मेरे सर्वे के लग गए। और ये सर जो फिर साइट्स आपकी चलती हैं तो वो कैसे मैनेज होती है? टीम से मैनेज होती है मैम, जो टिपिकल डिजाइन है वो मैं खुद पर्सनल हैंडल करता हूँ और जो नॉन टिपिकल है उनका टीम हैंडल करता हूँ। सर ये जो फील्ड है आर्किटेक्चर, इसका फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर ही फ्यूचर है। सर मैं एक और मेरे बीच में सवाल है, आपने मुझे कहा कि लाइक पहले की जो जितनी मार्केट होती थी सारे डिजाइन ठीक है, लेकिन हम एक बेसिक लेवल इनिशियल लेवल पे बात करते हैं कि जब घर बनते हैं ठीक है, बड़ी अगर कोई बिल्डिंग डिजाइन हो रही है तो ऑफकोर्स किसी आर्किटेक्चर से ही डिजाइन होती है, बट नॉर्मल अगर घर बन रहे हैं ठीक है, पहले हम इतना अवेयर नहीं थे कि हम एक आर्किटेक्चर हायर करना है, लेकिन ये 7-8 साल होते हैं हमने सुना है कि अगर घर के अंदर अगर हमें फर्नीचर भी करवाना है तो लोग सजेस्ट करते नहीं इंटीरियर डिजाइन को बुलाओ वही बेस्ट डिजाइन बनाएगा, या घर बनाना है तो आर्किटेक्चर को बुलाओ वही बेस्ट अपना घर बना सकता है। तो ये भी 7-8 साल में अवेयरनेस हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले क्यों नहीं थी और आने वाला फ्यूचर? आपने कहा कि वो अवेयरनेस कम थी, पहले बस अवेयरनेस कम थी, जो कस्टमर थे या जिनको अपना घर डिजाइन कराना था उनका ये था कि 15 लाख रुपए लगाने हैं, अब 15,000 आर्किटेक्चर मांग रहा है तो उसको हम उससे अच्छा हम 15,000 का एक सॉफ्टवेयर लेंगे घर में लगा। पर जो आज का जो है 2022 की अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, बहुत ज़्यादा। यदि 50 गज का ही मकान है तो वो आर्किटेक्चर से ही डिजाइन, क्योंकि आज 50 गज का मकान 15 लाख का नहीं देंगे, 50 गज का मकान 40 लाख 50 लाख का चल, इतना उसमें उन्होंने मतलब ग्रोथ कर दी है, इंटीरियर डाल दिया, एक्सटीरियर डाल दिया है और जो भी घर की सुख सुविधाएं होती हैं वो सब इनबिल्ट कर दी है। सर अभी देखा जाए जो पहले विदाउट आर्किटेक्चर के घर बने और अभी जो आर्किटेक्चर घर बना रहे हैं वो डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस है, पहले जो घर बने हुए होते थे वो स्टोन स्लैब में होते थे, पट्टी वॉल्स चौड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती, जगह कम मिलती थी, अब जो है वो RCC कॉलम में डिजाइन हो रहे हैं, छोटी से छोटी वॉल कम से कम वॉल हम काम में ले रहे हैं ना, और उस छोटी छोटी वॉल पे हम कम से कम 4-5 मंजिला घर ले जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं बिल्कुल सदैव में खड़े हुए हैं। ये हाँ वो तो अनुभव चाहिए उसके लिए, पूरी डिजाइन होता है, पूरा कंप्लीट उसकी बुक बनती है, चाहे वो प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, ड्रेनेज हो, स्लोप हो, इंटीरियर, यहाँ तक कि जो भी अपन देख रहे हैं सोफ़ा कहाँ रखा उसका वही सोफ़ा डिजाइन होगा जो आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया, चेंजेस कुछ नहीं आए। सर हम हमारा अगर ऑफिस स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर फॉर्म शुरू करते
ऑफिस का स्पेस कितना होना चाहिए आपका? कम से कम मैम 10x20 का स्पेस होना चाहिए, 200 स्क्वायर फुट का स्पेस होना चाहिए। उसमें दो चैम्बर हों, एक मेन चैम्बर हों और बाकी एक वर्किंग स्टेशन। वहाँ पे मोस्टली डील्स ही होती हैं? हाँ, डील्स ही होती हैं। और लाइक अगर आपको शोकेस भी वहाँ करना होता है तो वॉल्स पे आप? हाँ, वॉल्स हैं। इतना स्पेस रिक्वायरमेंट जी, स्टाफ आपने बता ही दिया, वैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं स्टाफ के अपने? हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टाफ रखा जाता है। तो आपके सर यहाँ पे इंटर्न करने भी आते हैं? इंटर्नशिप करने के लिए? हाँ, इंटर्नशिप कराते हैं। इंटर्नशिप करवाते हैं, लोग आते हैं सीखते आते हैं सीखते 6 महीने का होता है। तो अगर आर्किटेक्चर को बनता है, तो आपको क्या लगता है सर, इनिशियल स्टेजेस में कितना पैसा कमा सकता है? मैंने पहले ही बताया कि ये जो फील्ड है ना, ये बहुत बड़ा है। ब्रिजेस हैं, कलवर्ट है, रेलवे, पीएचडी, इरिगेशन, वाटर वर्क्स ये सब आर्किटेक्चरिंग फील्ड ही है, सिविल वर्क ही है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, है ना, छोटी से छोटी सड़क हो, कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग तो आई गया, बिल्डिंग डिजाइन आई गया, वो सब इतना है कि क्रिएटिविटी ही आपको इसमें आगे लेके। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है? स्किल पे डिपेंड करता है, ये आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा आती है, आप मार्केट में ज़्यादा चीज़ें, नई चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, नए आइडियाज़ दे सकते हैं, तो ही आर्किटेक्चर आपको इतना आगे लेके जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर हम आर्किटेक्चर हैं या आर्किटेक्चर फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उस पर काम करेंगे? अब सर फाइनली हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हमारी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी स्टडीज की है या फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे इस फील्ड के लिए कि कुछ ऐसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस आपके अनुभव से आपको मिले कि ये चीज़ें हम करेंगे तो बेटर रहेगा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस? जिस को भी ये सोचता है वो कि मुझे स्टार्टिंग में पैसा कमाना है, तो वो इस फील्ड से हट ही जाए। ये स्टार्टिंग में पैसा देगा ही नहीं। जब तक आपको नहीं आएगा ना बिल्डिंग डिजाइन करना, कस्टमर की बात समझना या उसको अपने मैप के बारे में समझाना, जब तक पैसा नहीं देगा। कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही आप इस फील्ड से पैसा कमा सकते, उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ना देगा जिसकी हद। तो ये की वर्ड है कि आपको सबसे पहले समय इस चीज को देना पड़ेगा। सर मेरा एक और सवाल था, जो आर्किटेक्चर बन चुके हैं, जिन्होंने स्टडीज कर ली है इसकी, तो वो अगर जॉब प्रिफर करें या फिर वो अगर खुद का अपना बिजनेस सेटअप करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो कि मैम एक्सपीरियंस लेकर वो खुद का बिजनेस सेटअप करें। बिजनेस सेट, तो ये जो व्यूअर है उन लोगों से शेयर करें जो आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चर बनने की प्लानिंग में है या अपना फर्म खोलना चाहते हैं, और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे वीडियोज आप और देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल जस्ट स्टार्टअप, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।